नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। अब बचत खाते से निकालिए 50,000 रुपए। रिजर्व बैंक ने साल 2017 की पहली क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बैंक ने भले ही नीतिगत दरों में कटौती न कर ब्याज कम होने की उम्मीद कर रहे लोगों को करारा झटका दिया हो, लेकिन बचत खातों से साप्ताहिक निकासी की सीमा को 24,000 से बढ़ाकर 50,000 करते हुए बड़ी राहत भी प्रदान की है। 20 फरवरी के बाद से बचत खाते से एक हफ्ते में 50,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने 13 मार्च से बचत खातों से निकासी पर लगी सीमा समाप्त करने की भी घोषणा की। आरबीआई ने इस बार भी नीतिगत दरों में कटौती नहीं की है। रेपो दर 6.25% पर बरकरार है और रिवर्स रेपो दर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वहीं सीआरआर भी 4% पर ही पहले की तरह ही बरकरार है। इसे लोगों की कर सस्ती होने की उम्मीदों को झटका लगा है। चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक विकास दर का अपना अनुमान और घटाते हुए 6.9% कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने नोटबंदी के बाद जारी पहली मौद्रिक नीति समीक्षा बयान में दिसंबर में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सकल मूल्य वर्धन अनुमान 7.6% से घटाकर 7.1% किया था। बुधवार को वित्त वर्ष की छठी और अंतिम समीक्षा बयान में इसे और कम करके 6.9% कर दिया गया है। साथ ही वित्त वर्ष 17-18 के लिए विकास दर 7.4% रहने की बात कही गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि नकद आधारित सेवा क्षेत्र, विशेषकर खुदरा व्यापार, होटल तथा रेस्टोरेंट और परिवहन के तेजी से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। बैंकों की उधार देने की शक्ति बढ़ने तथा अगले वित्त वर्ष के बजट में सरकार के पूंजीगत तेवज बढ़ाने के उपायों से भी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने नोटबंदी के फैसले को पाकिस्तान से प्रेरित बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एम वीरप्पा मोइली ने केंद्रीय बजट पर लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, मोदी सरकार ने नोटबंदी के लिए जिन दो कारणों, भ्रष्टाचार से मुकाबला, काले धन और फर्जी मुद्रा की समाप्ति का हवाला दिया था, पाकिस्तान ने भी जून 2015 में इन्हीं कारणों के आधार पर नोटबंदी की घोषणा की थी। कांग्रेस के सदस्य सुखेंद्र शेखर राय ने नोटबंदी के मुद्दे पर राज्यसभा में कामकाज रोककर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया था। उनके नोटिस का कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने समर्थन किया। हालांकि उपसभापति पीजे कुरियन ने राय के नोटिस को यहां कहते हुए खारिज कर दिया कि इस विषय पर कई सदस्य अपनी राय सदन में रख चुके तथा आगे भी इस बारे में सदस्यों को बोलने का मौका मिलेगा। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजियाबाद की चुनावी सभा में मोदी ने कहा, भाजपा घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र जारी करती है। नोटबंदी पर विपक्ष का मोदी सरकार पर हमला, 90 दिन बाद भी जनता परेशान। महंत आदित्यनाथ का हमला, सपा बसपा हर काम जाति धर्म मजहब के आधार पर करते हैं, फिर कैसी धर्म निरपेक्षता। मतों के ध्रुवीकरण का आरोप, कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय और चुनाव आयोग से की भाजपा पर कार्रवाई की मांग। ईरान के सबसे ताकतवर सुरक्षा निकाय को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अमेरिकी प्रस्ताव। ये थे अब तक के मुख्य समाचार और इसी तरह समाचार देखने के लिए लॉगिन कीजिए www.webdunia.com।